ये कैसे हो गया? वो तो इतना पढ़ने वाला बच्चा था, पता नहीं फेल कैसे हो गया उनके। अभी अभी उनका मैसेज आया है और मैसेज भी इंग्लिश में आ गया, मुझे रिप्लाई भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। आमना, वैसे तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन कभी कभी कोई चीज बीच में गलत हो ही जाती है ना, तो आमना आके मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। आमना आमना आके मुझे थोड़ा सा बता दो, मैं एटलीस्ट पूरा मैसेज तो कंप्लीट कर दूं। बस ये आजकल के बच्चे जो है ना, फोन पकड़ लें एक दफा तो बस फोन के ही हो जाते हैं। पेरेंट्स को तो इनको पता ही नहीं है कि पेरेंट्स भी इनके हैं, उनको भी कोई हेल्प की जरूरत होगी, उनको कुछ मदद चाहिए है किसी चीज में, कुछ उनका भी कोई इन पर हक है। कोई पेरेंट्स के कितने हक होते हैं, हमारे टाइम में कितना हक होता, हम तो पेरेंट्स के साथ ही जीते थे, देखते थे उनकी तरफ, हर वक्त उनकी तरफ ही देखते रहते थे क्या कर रहे हैं हम उनके साथ, कब उनको हेल्प की जरूरत है हम फौरन हेल्प के लिए पहुंचते थे। मुझे अभी इसी वक्त ही उनको रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही दुख में, और इस वक्त पता नहीं कितने दुख में वो उसे गुजर रहे होंगे, तो मुझे अभी उनको रिप्लाई देना चाहिए। आमना, हाय अल्लाह, आ जाओ आमना, आप जल्दी आओ। तुमने आकर यहाँ पे इंग्लिश सीख ली है, थोड़े से चार लफ्ज आप लोगों को आ गए, इसमें कौन सा कमाल हो गया तुम लोगों का? आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने इंग्लिश आकर यहाँ से सीख ली, हम लोगों ने पीछे बैक कंट्री से सीखी थी, तो तुम लोगों का कौन सा इतना बड़ा कमाल है? कौन सा तुम्हारे अंदर को हीरा मोती लग गया कि तुम लोग बड़े अच्छे हो गए और हम लोगों की अब इंग्लिश अच्छी नहीं रही है? ठीक है, हमने माना कि हमारी उतनी नहीं है, पर हम फिर भी लिख लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तुम लोगों के अंदर ये चीज होनी नहीं चाहिए कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हमारे पेरेंट्स जो है उनको तो कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं समझना चाहिए। अब बस मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए वर्ल्ड में, ये किसी चीज इस तरह नहीं, मैं आप लोगों के मोहताज नहीं होना चाहती कि जब भी कोई बात हो, कुछ हो, आपको मैं कहूँ कि आम ना आके मैसेज करो, आम ना आके मुझे हेल्प करो। मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं खुद से करूँ। यार क्यों नाराज हो रही हो इतनी सी बात पे? बस आजकल के बच्चों के ना जरा सी बात पे इतना पेशेंस तो होना चाहिए। जब तुम लोग छोटे थे कितना तुम करते थे, बार बार हमें जिच करते थे, हम लोग ये बिहेव करते थे आप लोगों के साथ, उठ के चले जाते थे, ये आपको छोड़ देते थे, नहीं करते थे ना इस तरह से? चलो आओ, वापस आओ, आके मुझे बताओ। बस कर लें खुद, मैं आपको कह रही हूं कि आ जाओ, चलो आओ, वापस आओ। और ये अपनी शोखियां छोड़ो, अच्छा बताओ आके मुझे। अच्छा मैं लिखती हूँ उसको कि ओ माय गॉड, दैट्स वेरी ग्रेट बैड न्यूज, ग्रेट बैड न्यूज, ये बहुत अच्छी बुरी बात है। नहीं मेरा मतलब, हाँ बताओ फिर क्या लिखना चाहिए। दैट्स वेरी बैड बैड न्यूज। ओके दैट्स, नहीं पहले ओ माय गॉड तो लिख दू ना, ओ माय गॉड उसमें तो शो हो के भी जिस तरह मैं कितनी परेशान हुई हूँ उनके लिए। Oh my God, that's very bad news. बहुत बुरी news है. That's very bad news. अब इतना तो मुझे पता, bad कहाँ से आ जाता है? बहुत बुरी बात है. आमना, joking छोड़ो. मैं बहुत serious हूँ इस वक्त, अच्छा? बहुत ज़्यादा serious हूँ. मुझे serious होके बताओ सारा कुछ. That's very bad news. That's very bad news. That's very bad news. Your son failed the exam. Failed the exam.
बट इंशाल्लाह डोंट लूज होप. ठीक है. लूज होप और मैं इसलिए तो कह रही थी मैं लिखती हूँ यार छोड़ो तुम इस वो हो चुका बस मुझे बताओ. हाँ तो बस ठीक है सेंड कर दो. नहीं इतना सा नहीं थोड़ा सा उनको शो तो होना कि मैं कितनी परेशान हूँ. पिक्चर भेज दे रोते हुए आप पिक्चर भेज दे कि मैं बहुत परेशान हूँ. और अगर पिक्चर नहीं तो आप वीडियो भेज दे रोते हुए बस. सीरियस होके मैं पूछ रही हूँ तुमसे कोई मजाक नहीं कोई जोक नहीं. सीरियस होकर डोंट लूज होप. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम next time he will pass away he will be succeeded in very good grades. Good grades. और साथ एक रोने वाली इमोजी डाल दो. जरूरी है ये. हाँ उनको पता तो लगे उनको एहसास तो हो आप रो रो के आपके ना मैं कितनी परेशान हूँ. ठीक है. ठीक है बस सेंड करना. ओके हो गई सेंड. हाँ, तो इस तरह पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. इसमें 15 मिनट लगे. मैं आपको 2 मिनट में मैसेज भेज देती और हम कोई और काम कर रहे होते. फिर वही बात मैं आप पे डिपेंड होना ही नहीं चाहती हूँ. मैं खुद से सारे मैसेज करना चाहती हूँ खुद से. मेरी हेल्प क्यों लिया मेरी हेल्प के लिए तो अच्छा आप बचपन में नहीं लेती थी मुझसे हेल्प. नहीं कोई पैंपर अपना खुद चेंज करती थी. कोई प्रूफ है कि मैं हेल्प लेती थी. आपके पास प्रूफ है ना मेरे पास. बात इवन हो. क्या मतलब मेरे पास प्रूफ नहीं है. मेरे पास प्रूफ है सारे. कौन से प्रूफ है. उस टाइम में तो कैमरा नहीं एग्जिस्ट करता था. बस बदतमीजी आगे से करते जाना है. बदतमीजी कभी कोई आगे से. आजकल के जो बच्चे है ना बस आगे से आगे लॉजिक देते जाएंगे आगे से आगे बात. अब मतलब आगे से ये नहीं कहना कि मम्मा सॉरी. ठीक है आप हमारी बहुत केयर करती थी जिस तरह आप हमारे बचपन में हमें करती थी उसी तरह से हम भी आपके करेंगे. बजाय इसके कि हर बात का उनको जवाब दें उनको टाइम दें जिस तरह उन्होंने अपना जवानी का बेस्ट टाइम आप लोगों को दिया और उनको जब भी हेल्प की ज़रूरत हो उनकी हेल्प करें. ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है. अल्लाह हाफिज़.